हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजदेव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। आज मैं आप लोगों को जो है 4440 आईसी में जो है सब वूफर के बारे में बताऊंगा। आज मैं बोर्ड का रिव्यू करता हूं, बताता हूं दोस्तों, और बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जो कि इसकी वायरिंग करके और प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताऊँगा। आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों 3 IC वाला है, जो कि एक 4440 लगी हुई है, एक लगी है दोस्तों, एक लगी है दोस्तों, 3 IC 4440 की लगी है, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो है 4725। आप लोग देख सकते हैं, एक कैपेसिटर मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं 4725 है कैपेसिटर। और दोस्तों दो एक कंडेंसर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है 1016, और दोस्तों एक लगा है 1025 लगा हुआ है दोस्तों, जो कि ये सब वूफर के लिए लगा हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं प्रीसेट लगा हुआ है कि जो सब वूफर को कम और ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसको मैं अब जैसे कि मैं इसके वायरिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सब वूफर का कनेक्शन एक इस पर होता है दोस्तों, एक इस पिन पर होता है, और उसके बाद जो इसका जो अलग है वाच टेबल, जैसे कि जो 2 IC काम करती है लेफ्ट राइट का, जो एक उसका एक स्पीकर ये है और एक स्पीकर ये है दोस्तों, और एक स्पीकर ये है, एक स्पीकर ये है। सब वूफर का दोस्तों एक ये IC है, ये सब वूफर का IC जो काम करती है, आप लोग देख सकते हैं। इस IC को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये IC सब वूफर के लिए है, लगी हुई है। और दोस्तों ये जो है रेगुलेटर है ट्रांजिस्टर 7805, जो कि एक जो है 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में रेगुलेट करता है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है एक जो है 5408 डायोड लगा हुआ है, ये दोस्तों जो है कि यहाँ से 12 वोल्ट जो है इसके अंदर जब जाता है तो उसके बाद ये काम करता है दोस्तों। और इसी तरीके से इस ये जो है ये एक तरीके से सबवूफर में इसकी सर्किट बनाया गया है, और ये बहुत अच्छी सर्किट है एक तरीके से देखा जाए तो। दोबारा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और ये सर्किट बहुत ही जो है पावरफुल सर्किट है। और दोस्तों सब वूफर इसका बहुत अच्छा जो है साउंड इसका जो है आता है सब वूफर का। और मैं कनेक्शन जैसे कि मैंने इस एक सब वूफर का कनेक्शन का यहाँ बता दिया, और यहाँ और जो है एक स्पीकर का कनेक्शन यहाँ है दोस्तों, एक स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे एक स्पीकर का कनेक्शन यहाँ होता है, एक स्पीकर का यहाँ होता है दोस्तों। देखिए मैंने जो बताया गया, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगा, एक चैनल का ये हो गया, एक चैनल का ये हो गया दोस्तों, ये सब वूफर का कनेक्शन है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि और बता देता हूँ, जैसे सब वूफर का वॉल्यूम, जैसे सब वूफर कंट्रोल कैसे करोगे दोस्तों, ये फर्स्ट ऑडियो ये है, सेकंड ऑडियो ये है दोस्तों, और ग्राउंड यहाँ पर लगता है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो कार्ड की ऑडियो होती है दोस्तों, एक यहाँ लगती है कार्ड की ऑडियो जो है, और ये कार्ड की ऑडियो यहाँ लगती है दोस्तों। और ये दोस्तों आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बास है, ये बास है दोस्तों, और ये ट्रेबल है, और ये बास है और ये ट्रेबल है दोस्तों। इसी तरीके से ये बोर्ड जो है बहुत अच्छा है सब वूफर का, और इसके कनेक्शन के बारे में मैंने बता दिया आप लोग इसको। और जैसे ये बास टेबल के बारे में बता दिया, और वॉल्यूम जो कि इसका चैनल के वॉल्यूम, चैनल का वॉल्यूम का फर्स्ट ऑडियो है और सेकंड ऑडियो, फर्स्ट ऑडियो ये है और सेकंड ऑडियो ये है, और ये सेकंड ऑडियो है दोस्तों, और ये ग्राउंड है, आप यहाँ लगा के इसको चला सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। इस ये बोर्ड जो है ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर, ये बहुत अच्छा बोर्ड है। और ये जो है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, और इसकी देखिए दोस्तों हीरसिंग भी बहुत अच्छी है, और साउंड इसका बहुत परफेक्ट है, और बहुत जो है पावरफुल साउंड है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।